हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास. स्टूडेंट्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ लेसन 8 वी आर गोइंग टू रिवाइज आवर सिलेबस. क्योंकि बेटा सितंबर में आप लोगों का हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है, ठीक है? तो हम लोगों ने टोटल चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है बेटा? तो चैप्टर 8 तक कंप्लीट हो गया है और सारे बच्चे, जो भी बच्चे हों या जो भी स्टूडेंट्स जो हैं, जो भी बच्चे अपनी कॉपी नहीं कंप्लीट किए हैं, वो चैप्टर 8 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? और आज से हम आपके लिए रिवीजन क्लास शुरू कर रहे हैं, ठीक है? तो इसमें हम आपको इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम रिवाइज कराएंगे, ठीक? तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1, द हाउस वी लिव इन का एक्सरसाइज ए सी एंड डी, ठीक है बेटा? तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज ए. चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड कंप्लीट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो यहाँ पे आपका देखिए, शुरू करते हैं. फर्स्ट है, ए वेरी हाई बिल्डिंग दैट सीम्स टू टच द स्काई इज कॉल्ड. तो बेटा यहाँ पे आपका ऑप्शन सी, स्काई स्क्रैपर, यानी एक ऐसी बिल्डिंग, एक बहुत ऊंची बिल्डिंग जो कि ऐसा लगता है कि वो आसमान को टच कर रही है, आसमान को छू रही है, तो उसको हम कहते हैं स्काई स्क्रैपर. ओके, सेकंड है, ए डैश इज ए हाउस दैट मूव्स ऑन व्हील्स. तो यहाँ होगा बेटा ऐसा घर, एक ऐसा घर जो कि पहियों पर चलता है. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए कारवां सही हो जाएगा, कारवां इज करेक्ट. ओके, तो थर्ड क्वेश्चन है, हाउस बोट्स आर डैश हाउसेज ऑन रिवर्स एंड लेक्स. बेटा हाउस बोट्स क्या हैं? वो फ्लोटिंग हाउसेस हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा. सेकेंड, फोर्थ है, द शेप ऑफ एन इग्लू इज, तो बेटा यहाँ पे आपका होगा राउंड. जो इग्लू का शेप होता है, इग्लू का आकार जो होता है वो गोलाकार होता है, राउंड होता है, ठीक है? फिफ्थ है आपका, ए गुड हाउस शुड बी डैश एंड सनलिट. तो यहाँ पे आपका ए गुड हाउस शुड बी एयरी, यहाँ एयरी हो जाएगा, ठीक है? तो आगे चलते हैं एक्सरसाइज सी पे. देखिए, टेक द करेक्ट सेंटेंसेस एंड पुट क्रॉस ऑन द रॉन्ग वंस. यहाँ हो जाएगा, कच्चा हाउसेज आर बिल्ट इन हिली एरियाज. तो बेटा ये गलत है, ये आपका गलत है, यहाँ पे हम क्रॉस लगाएंगे. पक्का हाउसेज आर मेड अप ऑफ आयरन ब्रिक्स एंड कंक्रीट. ये आपका सही है, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे. थर्ड है, इग्लूज हैव ओनली वन डोर. इसमें ये भी आपका सही है, यहाँ पे टिक लगाएंगे. फोर्थ, हाउस बोट्स इज कॉल्ड ए फ्लोटिंग हाउस आल्सो. हाउस बोट को हम फ्लोटिंग हाउस भी कहते हैं, ये भी सही है, यहाँ पे हम टिक लगाएंगे. अगला है फिफ्थ, ए गुड हाउस शुड हैव मेनी विंडोज. तो यहाँ ये भी आपका सही है, यहाँ पे भी हम टिक लगाएंगे, ठीक है? तो बेटा अब हम लोग आगे चलते हैं. देखिए, लुक एट द पिक्चर्स एंड कंप्लीट द नेम ऑफ द हाउसेस सोन बिलो. तो पहला है स्काई स्क्रैपर, एस के वाई एस सी आर ए पी ई आर, स्टिल्ट हाउस का हो जाएगा एस टी आई एल टी एच ओ यू एस ई. ओके, थर्ड है बेंगलो, बी यू एन जी ए एल ओ डब्ल्यू, बेंगलो. फोर्थ है आपका कारवां, सी ए आर ए वी ए एन, कारवां. फिफ्थ है हाउस बोट, एच ओ यू एस ई बी ओ ए टी, हाउस बोट. और सिक्स है मल्टी स्टोरी हाउस, एम यू एल टी आई एस टी ओ आर ई वाई एच ओ यू एस ई, मल्टी स्टोरी हाउस. तो बेटा आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे. ओके, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू.